बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाहुलाकुवतइल्लाबिल्लाहिल्लाहिल्लाज़ीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअ अल्फ अल्फ मर्रा व बारिक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा हाज़रीन महफ़िल यारान तरीक़त ख़वातीन हज़रात बिहम्दी ताला अल्लाह का शुक्र है कि आज फिर उसने दूसरी महफ़िल महफ़िल मोहब्बत अता फरमाई है। हस्ब दस्तूर दम और तावीज़ात के बाद कुछ सवालात के जवाब माना दर्स मोहब्बत ही है, माना दर्स तसव्वुफ़ी है, माना दर्स शरीयत व तरीक़त हकीकत व मारफत है और माना दर्स दीन व इस्लाम ही है। एक ही नाम है, उसके मुख्तलिफ लिबास हैं, एक ही काम है, एक ही नाम है अल्लाह का, उसके फिर मुख्तलिफ लिबास हैं और उसका पहले तो एक लिबास है शरीयत और उसी शरीयत के लिबास के आगे रंग हैं, उसका रंग तरीकत है, रंग मारफत है, रंग हकीकत है। तो आका अलैहिस्सलाम ने ये हमें लिबास मोहब्बत अता फरमाया है जो लिबास शरीयत है। तो मकसद मकसूद मफहूम मतलब एक ही है, वो है अल्लाह की ज़ात, यानी तौहीद हमारा मकसद है। तौहीद को हासिल करने के लिए रिसालत अता हुई और रिसालत को समझने के लिए वलायत अता हुई और वलायत से जब किसी वली से मिलके हमने इस सफ़र को तय किया तो वलायत से होते हुए रसालत तक, रसालत से होते हुए तौहीद तक पहुँचे, जो भी पहुँचा तरीका यही है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो इसी सिलसिले में महफिल मोहब्बत 12 रोज़ा और उसका आज दूसरा दिन, कल एक टॉपिक पे बात हुई, टॉपिक तो वही वह हुई रूहानियत ही, उसी टॉपिक पे आगे आज इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे। इनका सवाल है कि मुब्तदी और मुंतहा। मुब्तदी वो है जैसे एक आदमी किसी सिलसिले में आता है, बैत करता है और ये दर्स तसव्वुफ़ हासिल करता है, ये इलम सीखता है, उसका जो इब्तिदा है, उसका जो शुरुआत है, उसकी जो स्टार्टिंग है, उस वक्त वो एक मुब्तदी है। जो जो फिर सफ़र आगे चलता जाता है, इसके औसत में पहुंचता है, फिर इंतहा की तरफ जाता है, उसको मुंतही कहते हैं। आपने कुरान की आयत पढ़ी वह इन्ना इला रब कल मुंतहा, के बेशक तेरे रब ही आखिर में है, आखिर में है। तो ये इलूम तो बहुत सारे हैं, किसी इलम की ऐसी न इब्तिदा है न इंतहा है। इसी आयत से ही तसव्वुफ़ साबित होता है कि अगर कोई साइंस और टेक्नोलॉजी कोई चीज़ और कोई पढ़ ले तो उसकी इब्तिदा और इंतहा में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। इंतहा पे उनमें से कोई एक भी खुदा तक शायद पहुँचे, इतने अलूम जो राइजुल वक्त हैं। तो एक ऐसा इल्म कि जिसको शुरू किया गया और जिसका मुब्तदी इंतहा में खुदा तक पहुंचा, वो सिर्फ तसव्वुफ़ ही है। इसी आयत से तो तसव्वुफ़ साबित है कि बेशक तेरा रब इंतहा पर है, कि जिस इल्म के लिए तू घर से निकला, तूने अपना टीचर अपना मास्टर तूने सर्च किया, फिर तू उसका फॉलोअर बना, उसके साथ तेरी सिटिंग्स हुई, उसकी एजुकेशन हासिल करके फिर तू अपनी मनाजिल को तय करता हुआ आगे बढ़ता गया बढ़ता गया। पहले तू अपने टीचर तक पहुंचा, फिर टीचर के टीचर तक पहुंचा, वहां से फिर सबके जो टीचर हैं उन तक पहुंचा, और जो सबके मास्टर हैं, जो सबके मास्टर हैं, सबसे
एक बिग मास्टर, उस बारगाह में जब तू पहुंचा तो उससे आगे फिर मुंतहा इंतहा में उस मास्टर के आगे फिर रब ही रह जाता है। तो इसी आयत से तसव्वुफ साबित है कि ऐसा इलम हासिल करो कि जिसकी इब्तिदा करो और उसी इलम की इंतहा में खुदा तक पहुंच जाओ, वो सिवाय तसव्वुफ के और दूसरा कोई इलम नहीं हो सकता। रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुरा ना लद्दा पेंडे कर कर हारे। तो ये एक गुंजलदार मरोड़ी है, ये एक इंतहाई खतरनाक काम है। वजूदे बारी तारा पे रिसर्च करना और इस पे, ये आम बंदे का काम नहीं है। बहुत सारा इल्मे शरीयत हासिल करने के बाद और हदीस कुरान और हदीस फिका और आयम्मा की इतबा करने के बाद, फिर बहुत सारे मशाइख की सोबत से, फिर अपनी शेख के में फनाइयत हासिल हो, फनाफिर शेख पे मकाम पे पहुँचे, फिर फनाफिर रसूल हो, तो उस वक्त उसको ये जाके ये उकदा खुलेगा। उससे पहले जो खोलने की कोशिश करेगा ऐन मुमकिन है वो गुमराह हो जाए। आका ने फरमाया था मन तज़ादा बग़ैर इल्मिन फ़कत जन्ना फ़ी आख़िर उम्रिही औ माता काफ़िरा। जिसने ये रास्ता मोहब्बत का ज़ुहद का इख्तियार किया बग़ैर इल्म के, बग़ैर आलिम के, बग़ैर उस्ताद के, तो वो जो या तो पागल हो जाएगा या काफिर हो के दुनिया से दफा हो जाएगा। तो इस वजह से ये बग़ैर मशाइख के शेख के ये रास्ता हलाकत का है। इसी वजह से है कि मुर्शिद के बगैर ये लाइफ, रूहानी लाइफ कोई नहीं। बाकी आपने जो कहा हुवा जाहिर हुवल बातन, बातन में शरीयत जो डिस्कस कर रही है वो गायब में डिस्कस कर रही है, गायब अल गायब में डिस्कस कर रही है, इसको जेर बहस लाती है। जाहिर में साफ जाहिर है, जलवा उसी का है, ये रोशनी उसी की है, ये जाहिरी चेहरा, जाहिरी चेहरा उसी का है, ये कायनात सारा चेहरा है उसका। और उसने कुरान में खुद भी कहा कि कुल्लु मन अलैया फान वयब का वजह रब्बे का जुल जलाल वल इकराम, बका तेरे रब के चेहरे को है, यब का बका तेरे रब के चेहरे को है, कि महबूब तेरा जो रब है, ऐ प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम, तेरा जो रब है सिर्फ चेहरा उसी का है, बाकी हर एक चीज़ को फना है। कि महबूब अपने रब का जिक्र यूं कर के अपने तन बदन से निकल कर, अपने आप से निकल कर इसको फना समझ, जो तेरा चेहरा है इसको हटा के ये समझ के जो बाकी जो बच रहा है, जो तू अपना और दिगर देख रहा है, ये तेरे रब का चेहरा है। हर एक चीज मिट जाएगी, एक उस रब का चेहरा बाकी रहेगा। और दूसरा मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि हर एक चीज को फानी समझो और जो भी चेहरा समझो उसी का समझो। तो ये बात है कि हुवा जाहिर, जाहिर में वही है, लेकिन उसको बंदे पर कयास नहीं कर सकते, उसका तायन बंदे पे नहीं कर सकते, तायन बंदा नहीं है, लेकिन जाहिर में वो है, यानी बंदे के अंदर जो उसका दिल है ये गुजरगाह रब्बे जलील है, इसके दिल से वो गुजरता है, इसके दिल में जो रोशनी है या जो इसके अंदर जो रूह है ये उसकी आवाज है। तो हमारा दिल और उसके अंदर रूह और उसकी आवाज, इस तरह तो वो बातन और जाहिर में है, लेकिन बंदे पर उसको तायन नहीं कर सकते, ये कुफर में चले जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि अल अमरु मिन रब्बी अर रूह मिन अमरे रब्बी, कि रूह जो है मेरे रब का अमर है। अमर क्या होता है? ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? किसी चीज में आवाज देना, ओए ऐसे कर दो। तो ये जो उसकी ओए है, उसकी जो आवाज है, तो ये इंसान की दिल की गुजरगाह है। दिल गुजरगाह है जलील अकबर, ये जलील अकबर के गुजरगाह है हमारा जो दिल है। तो
इस तरह वो उसका निशान जो है वो बंदा जरूर है, लेकिन अगर तयन बंदे पे कर बैठोगे तो ये कुफर में चले जाओगे। तयन वो जो है जैसा है जहां है, किसी एक जगह पे मुतमक्कन नहीं, हर जगह पर मौजूद है। किसी एक जगह पे उसको छोड़ देना ये गलत है, हर जगह पे वही है, वही मौजूद है। जर्रे जर्रे में नहा था मुझे मालूम न था, खुद मुझ में छुपा था मुझे मालूम न था। तो इंसान के अंदर ही है। वो कहता है ना कि रब जिसको मिला है बंदे में मिला है। तो असल में और है कहीं नहीं। मैंने कल भी कहा था, नखनु अक्रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, शाह रग से करीब है मगर उसका तयन कर लेना ये गलत है। उसका एहसास पैदा होना, एहसास से फिर उसकी खुशबू तक पहुंचना और फिर जिसको चाहे अपना वजूद वो दिखा दे, ये बात अलग है, लेकिन इसका तयन हम नहीं कर सकते। वो जहां है जो है ठीक है और मौजूद है, और उसका जिसका जो मौजूद है उसका कोई वजूद है, हर इसम का जिसम है, हर किसी का अपना मोहब्बत है, अपना इश्क है। अगर कोई ईद गदीर बनाता है तो ठीक है, इसी तरह किसी सहाबा का कोई दिन मनाता है तो ठीक है, किसी वली का कोई दिन मनाता है तो ठीक है। जब तुम अपने अब्दुल्ला शाह गाजी का, रहमतुल्लाह अलैह का, हजूर मुस्तफा का उर्स मनाते हो, इसी तरह वो भी अपने इमाम का उर्स मनाते हैं, इसी तरह कोई और अपने अकाबरीन का दिन मनाते हैं, उर्स मनाते हैं, सहाबा का, अहल बैत का, जो भी है, हर किसी का अपना तरीका है, मनाने में कोई हर्ज नहीं। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि जिसका दिन मनाया जाए उस शख्सियत को भी मना लो, जिसका दिन मना रहे हो उस शख्सियत को भी मना लो, बस फिर बात बन जाएगी। ये जो सुर्ख पोश हैं रहमतुल्लाह अलैह, मखदूम जलालुद्दीन बुखारी सुर्ख पोश रहमतुल्लाह अलैह, ये और लाल शहबाज कलंदर ने इकट्ठा सफ़र किया है, इन्होंने इकट्ठा सफ़र किया है। ये इनका एक मैंने पढ़ा वाक़या कि सफ़र करते करते एक ऐसे मकाम पे पहुँचे, उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा हम जो है दरवेश लोग हैं और दुनिया का सफ़र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौन हो तुम? इन्होंने कहा हम सैयद हैं। उन्होंने कहा हम तो नहीं मानते। उन्होंने कहा फिर कैसे मानोगे? उन्होंने कहा हम जो है आग जलाएंगे, जो उसमें बैठ जाएगा वो बच जाएगा, जो नहीं उसको मानेंगे नहीं तो नहीं। तो लाल शहबाज कलंदर ने कहा कि ये तो तुम्हारी शर्त गलत है, क्योंकि आग को अल्लाह पाक की सिफत है जलाना, अल्लाह ने उसको ताकत दी है, अल्लाह ने अमर दिया है, वो तो जलाएगी। वो चूँकि कलंदर थे, उन्होंने कहा जैसे वो कर रहे करने दो, तो वो तो राजी ब रजा होते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात जो है तुम गलत कर रहे हो, ये कोई तरीका नहीं। आग का काम है जलाना, पानी का काम है आग को मिटाना, इसी तरह हवा, हर एक चीज़ अपनी खासियत रखती है। मखदूम जलालुद्दीन जो थे ये जलाल में आ गए, इन्होंने कहा जलाओ आग मैं बैठता हूँ, बड़ी आग इन्होंने बना भी किया। उन्होंने कहा नहीं आप सब्र करें। लाल शहबाज कलंदर को उधर बिठा दिया, आग जलाई, मखदूम साहब जो आग जलवाई, मखदूम साहब चलते चलते सीधा जनाब उस आग के अंदर बैठ गए। काफ़ी देर बैठने के बाद निकले ठीक ठाक, तो उन्होंने फिर मान लिया, उनको माना, और फिर उन्होंने कहा कि आइंदा ये शर्त ना लगाना, आग की सिफत है जलाना, अल्लाह के अमर से चल रही है, हम अल्लाह के अमर को हटाने वाले नहीं, हम अल्लाह के अमर को चलाने वाले। तो मसला ये है कि ये आपस में बहुत गहरे दोस्त थे, और ये कुतुब कमाल हैं, चारों कोनों के पीर भी इनको कहते हैं, मखदूम सुर्ख पोश। ये सुर्ख रंग असल में ये उन्हीं से आगे चला है। लाल शहबाज कलंदर भी सुर्ख रंग पहनते थे और वो भी सुर्ख थे, सुर्ख पोश थे। उनके बाद औकात कपड़े खुद बखुद भी सुर्ख हुए हैं मखदूम साहब के। इसी तरह सैयद कमाल कैथलवी रहमतुल्लाह अलैह भी सुर्ख लिबास पहनते थे, उनको ज़बरदस्ती पहनाया गया सफ़ेद, तो वो भी सुर्ख हो गया था। ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह के बंदों के अपने अफ़ाल होते हैं। हमेशा ये याद रखो, इनकी हर हरकत अल्लाह की तरफ से होती है। इन्होंने अपना तन मन धन बदन सारा
सारा अल्लाह की मोहब्बत में लगा दिया होता है, अपनी मर्जी को छोड़ दिया होता है, फिर जैसे अल्लाह की मर्जी होती है ये ऐसे चलते हैं, और फिर कभी अल्लाह के लिए कोई चीज़ मांगे तो अल्लाह इन पे रहम करते हुए अता कर देता है। ये हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है। कभी भी इसमें ये नहीं है कि हम ये कहते कि फलां ऐसा है फलां नहीं, उस पर अल्लाह की ताकत का नजूल होता है। जिस वली पे अल्लाह की ताकत बरस रही है वहां फिर कुदरत और ताकत हासिल होती है। तो इस तरीके से इन्होंने अल्लाह को राजी किया, अल्लाह ने इनको राजी किया। ये आपस में दोस्त और दूसरे दोस्त का मामला होता है। इसमें ये बात समझनी चाहिए कि सब कुछ उसकी ज़ात और कब्ज़े कुदरत में है, लेकिन अगर वो अपने दोस्त को अता नहीं करता, वो तो हर एक को अता करने वाला है, और अगर अपनी दोस्त की बात को न माने तो उसकी दोस्ती पर हरफ आता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बाद ऐसे लोग हैं आप देखते हैं फटे पुराने कपड़े पहने हुए, बाल बिखरे हुए और बिल्कुल परागंदा हुए हुए तमाम तरह से वो इस तरह, लेकिन याद रखो जिस काम में वो अल्लाह की कसम खा लें अल्लाह वो काम करके छोड़ता है। तो ये ऐसे बातें नहीं हैं। औलियाई तातर रिदाई, मेरे आका ने फरमाया कि मेरे जो दोस्त हैं मेरी चादर के नीचे, तो इस वजह से हर रंग में उसी के जलवे हैं। कोई है इलम की शक्ल में अकल असलाम के दीन की खिदमत कर रहा है, कोई इस मलंगी लिबास के अंदर, दरवेशी लिबास के अंदर, कलंदरिया लिबास के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा खादम है। तो ये बड़े पुरसरार लोग होते हैं कि बज़ाहिरन इसी तरह वो दो सफ़र कर रहे थे, किसी मस्जिद में रात रहे कहीं रहे, किसी को कोई पता नहीं, किसी ने पूछा कि हम दरवेश हैं हम मुसाफिर हैं, तो वो बड़े वक़्त के गौस कुतुब थे, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि ये किस मकाम पे फायज है। और जहाँ जहाँ उन्होंने रातें गुजारी, जहाँ जहाँ वो चले फिरे, उन लोगों को जब बाद में पता चला तो हैरान हुए इतने अल्लाह के नेक बंदे किस तरह इन्होंने। तो ये अल्लाह की मोहब्बत में सफ़र करना, अल्लाह की मोहब्बत में लोगों को शामिल करना, अल्लाह की मोहब्बत के लिए लोगों के घर तक तीमारदारी करने के लिए जाना, अल्लाह की मोहब्बत के लिए सारा सिलसिला ये निज़ाम रखना, ये ऐन इबादत है। हजूर सल्लम ने इसका बहुत बड़ा दर्जा अता फरमाया है। एक इंसान है वो नफ्स नफ्स के एक गलत काम करता है, अगर आप उस वक्त गौर करें उसके अंदर एक आवाज़ ज़मीर की आ रही होती है कि ये गलत है ये ठीक है, ये गलत है ये ठीक, बार बार ज़मीर उसको आवाज़ दे रहा होता है। उस वक्त अगर वो कार गुजरता है तो वो गुनाहगार इसलिए है कि उसने दिल की आवाज़ नहीं सुनी, उसने नफ्स की आवाज़ सुनी है। तो वाज़ह पता चल जाता है कि ये नफ्स का मारा हुआ है, ये नफ्स ज़्यादा है, और दिल उसको बचाता है गलती से, दिल मोहब्बत की तरफ लेके आता है और पाकीज़गी की तरफ लेके आता है, नफ्स उसको गलाजत में फेंकता है। तो ये वाज़ह निशानी है, नफ्स और दिल का आपस में तकरार है, सख्त तकरार है। कोई भी आप काम करने लगें, अभी एक और तमाशा है, बुराई की तरफ जाने लगे तो कभी नफ्स नहीं रोकेगा, वहाँ दिल एक घंटी खड़काता रहेगा बार बार के देख देख देख। और किसी महफिल मोहब्बत में आना हो तो 100 चीज़ें जहन में ले आएगा, वो नफ्स शैतान का घर है, वो बार बार ये है वसवसे देता देता देता, बस अब ये अब ट्रैफिक जाम है, अब ये है वो जाम ऐसा करता है कि फिर वहीं वो गिर जाता है, मोहब्बत के जाम से महरूम हो जाता है, ट्रैफिक के जाम में फंस जाता है। रूहानियत ही इंसानियत है, इस वजह से कि एक अच्छा इंसान अच्छा मुसलमान है, और अच्छा मुसलमान ही अच्छा एक अल्लाह का बंदा वली बनता है, मोमिन बनता है, फिर अल्लाह का वली बनता है। तो इंसानियत का होना ही तो पहली चीज़ है। इस्लाम जो है ये पूरा इंसानियत के ही एक कोड ऑफ लाइफ जो हमें फराहम कर रहा है, ये मुकम्मल एक ज़ाबता हयात ही तो हमें दे रहा है, हमारे इंसानी अखलाकी तकाज़ों को बेहतर करता है, तो फिर हमको अच्छे अहले इल्म या अहले तसव्वुफ बन सकते हैं, या मोमिनीन में या अल्लाह के दोस्तों में हमारा शुमार हो सकता है, कि पहले हम इंसानी और अखलाकी तौर पे हम बेहतर हो जाएं। जब इखलाक नहीं है तो हज़ार इबादत करें उसका कोई फ़ायदा नहीं, इबादत का माना भी यही है कि इखलाकियात बेहतर हों, ये बात है।
वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने जिन और इंसानों को पैदा नहीं किया इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। इस पे मुफस्सरीन लिखते हैं वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियारफून इल्ला लियाबुदून ऐ लियारफून, कि इसका माना यह है कि आबिदून से मुराद यहाँ पे कि ताकि उसे पहचान सकें। तो असल में इबादत वो है जो पहचान कर की जाती है, तो इसी तरह पता हो कि जिसकी इबादत कर रहा हूँ वो मौजूद है, वो है और उस पर कामिल यकीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह का पूरा मफहूम वाज़ह हो जाए तो वही इबादत है, वरना हज़ारों सजदे जो हैं वो बेकार हो जाते हैं। बहुत सी पड़ी हुई नमाजें मुसल्ले पे रह जाती हैं, सजदे किए और मुसल्ले पे छोड़ के सजदा घर आ गया। इसी तरीके से बहुत सारे हज और उमरे भी वहीं फेंक के आ गया। और इबादत कुरान पढ़ता है तो कुरान में ही आता है उस पर लानत भेज रहा होता है हदीस में, और ये सारी इबादत उठा के उसके मुँह पर दे मारी जाती है। वजह यह क्या है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, जब तुम अपनी अमलों का दारोमदार नियतों पे है, तो जब तुम अपनी नियतों को दुरुस्त नहीं करोगे तो फिर क्या तवक्को रखते हो उन नमाजों और उन हज करने से और उस उम्रे करने से। मजलिस भी वही फायदा देती है जब तुम्हें तुम्हारी नियत खालस हो, और नमाज भी वही सवाब देती है जो तुम्हारी नियत खालस हो। बाकी अकल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को हमेशा असल जानो। बार बार मेरा यही पैगाम है कि आजकल जो नए नए तरीके ईजाद हो रहे हैं, नए नए मज़हब फूट रहे हैं, इनका असल से कोई ताल्लुक नहीं। आप लोग जो शुरू से सच्चे मुसलमान और सही अकायद पर फाइज हैं, अपने आबाव अजदाद से होते हुए पीछे दूर अहले बैत और सहाबा तक ये तुम्हारे अकायद का सिलसिला जाता है, इन्हीं पर ही कायम रहना होता है। जो भी नए सर निकाल रहे हैं ये गलत हैं। तुम जो कदीमी एक ईमान पर और कदीमी अकायद पर चलते आ रहे हो, अल्लाह रसूल का जिक्र करते हुए, अहले बैत से मोहब्बत करते हुए, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हुए, सहाबा से मोहब्बत करते हुए यहां तक पहुंचे हो, इन्हीं अकायद पे कायम रहना और इन्हीं का मुत्तबे रहना ये बहुत जरूरी है। इस सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तमाशा बना हुआ है, हर एक जो है मौलवी साहब उसने अपना एक नया तरीका छोड़ा हुआ है। ये कोई तरीका नहीं है। जिन तरीकों पे तुम कायम हो अपने आबा अजदाद से, और तुम्हारे यहाँ जो इतने अल्लाह के वली गुजरे हैं उनके मज़ारात मौजूद हैं, उनके तरीकाकार मौजूद हैं, वही दुरुस्त हैं। आज का बंदा कैसे दुरुस्त हो सकता है जो 400 साल, 500 साल, 1000 साल, 1200 साल, 1300 साल, तक फिर 1400 साल तक जो एक गुज़श्ता से व्यवस्था होता हुआ एक अकीदा आ रहा है वो ही दुरुस्त है। आज यहाँ एक नया कोई सिर निकाले, नया अकीदा पेश करे, तो नया तो गलत होगा, जो शुरू से आ रहा है अहले बैत और सहाबा से वो कभी गलत नहीं हो सकता। उस अकीदे पर हमें फायज रहना है, उसी को पकड़ के रखना है और उसी पे चलना है। खसूसन यंग जनरेशन जो सोशल मीडिया से अटैच्ड हैं, इनको चाहिए ऐसे लोगों से बचें, सुने नहीं, क्योंकि इनके पास अपने मसलक और अकायद का इलम नहीं होता। तो जब एक नई बात सुनते हैं फिर इनमें एक तजस्स पैदा होता है और इस तरह ये गुमराह हो जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं। एक है कि पहले अपने अकायद को पढ़ो, अपने मसलक तरीका को पढ़ो, फिर उसके बाद किसी को सुनो, तो फिर जो वो बकवास करेगा फौरन पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे डंडी मार रहा है, यहाँ पे ये गलत कर रहा है। तो बहरहाल हर नई आने वाली चीज गलत होती है, जो शुरू से एक चीज आ रही है वो असल होती है। इस बात को हमेशा याद रखो, हर रोज मैं ये याद दहानी कराता रहूंगा, हर रोज ये पैगाम देता रहूंगा, इससे तुम्हारे ईमान बच सकते हैं। वो प्यारा नबी के एक खुश्क तने के साथ टेक लगाए और खुतबा दे, मिंबर तैयार हुआ, उस तने को हटाया गया और रोने की आवाज आ रही है। इतना हजूर की इतनी मोहब्बत, ये है मोहब्बत मिशन, कि सिर्फ बंदों से नहीं, जानवरों से नहीं, और सिर्फ जिंदों से नहीं, कटा हुआ खजूर का दरख्त जो अब मुर्दा हो चुका है उनसे भी प्यार। तो पता चला मुर्दों से भी प्यार हजूर की सुन्नत है। और आपको पता है कब्रिस्तान में हजूर जाते थे, वो नबी वहां बैठ के कहते या अल्लाह माफ कर इनको, मेरे उम्मती हैं, तूने मुझे भेजा है, मैं भेजा हुआ हूं, एक भी जन्नत में नहीं जा सकता, एक भी नहीं जा सकता, जिसने देखा वो नहीं जा सकता। हालत ईमान
तो आपका वहां कब्रिस्तान में जाना ये क्या था? मुर्दों से मोहब्बत। तो मैं तो कहता हूं उन मुर्दों को जिंदगी देने जाते थे, जब कहते होंगे ना सलाम अलैकुम या अहल अल कबूर, तो मैं कहता हूं उनके तो 14 तबक रोशन किया, वो तो जन्नत के आला मकाम पे फायज हो जाते होंगे। अल्लाह का महबूब उनको सलामती भेजे और फिर अल्लाह ना भेजे, किस किताब में है कि अल्लाह का महबूब जाके सलामती देने गया है और अल्लाह जो है सलामती नहीं भेज रहा? पता नहीं कहां से इल्म पड़ा है। अस्तग़फिरुल्लाह, अपने ईमानों को बचाओ, ये क़यामत है। नबी पर एतराज हो रहा है, जिसका कलमा पढ़ते हैं उस पे एतराज हो रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इससे बढ़ के और लानत क्या होगी? अपने ईमानों को बचाओ, तौबा इस्तग़फार करो। देखे ना, जितना भी गुनाहगार, हर इंसान गुनाहगार है, गुनाह का पुतला है। जब वो एक दफा कहता है रब्बिग़फिरली व तुब अलैया, अस्तग़फिरुल्लाह व अतूब अलैह, या रब्बिग़फिरली, इतना ही कह देता है, अल्लाह उसको माफ कर देता है। हाँ, सच्चे दिल से कहे, आइंदा इंसान का बच्चा बनने की नीयत से कहे, गुनाह ऑटोमेटिक हो जाए किसी वक्त इंसान के मुंह से, गलत बात निकले, सोचे ये भी गुनाह है, फिर कह दे रब्बिग़फिरली या अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह छोड़ देता है। वो इतना रहीम है। अरहमर राहिमीन है किसके लिए? तुम्हारे लिए है। मुत्तकीन तो पहले ही वो उसको याद कर करके उसी में ही है। बहरहाल उसका करम या मगफिरत ना हो तो वो भी नहीं बच सकते, ये बात तो अपनी जगह पे बजा है, लेकिन वो अरहमर राहिमीन तो तुम लोगों के लिए है। तो जब भी गुनाह हो जाए तो एक दफा कह दो अस्तग़फिरुल्लाह, जान छूट जाती है, बंदा बच जाता है। हर इंसान गुनाह का पुतला है, गुनाह करता है, सच्चे दिल से अस्तग़फार कह के उसके रास्ते पे चलो, ये भी मोहब्बत के रास्ते में पहला कदम होगा। तो फिर चे जाए कि पहले ही गुनाहों से तबाह हाल जिंदगी है, ईमान कमजोर हो चुका है, ऊपर से फिर एतराज किस पे कर रहे हैं? औलिया अल्लाह पे। फिर एतराज किस पे कर रहे हैं? अंबिया पे। फिर एतराज किस पे कर रहे हैं? जो अंबिया का सरताज है हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस पर एतराज कर रहे हैं। हैरत की बात है, और ये किसी बेगैरत की बात है, ये मैं आपको बता दूं। इतना जुल्म कि खुश्क तना रो रहा है। तो पता चला कि खजूर का खुश्क तना जब हजूर सल्लम का उसको लम्स से मुबारक मिला, आपका टच मिला, तो जान उसमें भी पड़ गई थी। आपने नहीं कहा कुछ भी, आपकी सिर्फ मस करने से उसमें जान पड़ गई थी। और यकीनन वो हजूर का तराना गाता था, जब आप हटे तो वो रो रहा था, जैसे बच्चे सिसकियाँ रहते हैं इस तरह वो रो रहा था। फिर हजूर ने कहा कि तुझे जन्नत में उगा दिया जाएगा, तेरा फल खाएंगे, इधर दफन किया जाए। फिर वहाँ ही उसको दफन किया गया, अलबत्ता आज भी वहाँ किसी सतून में वो तना मौजूद है। तो जिसको हजूर का लम्स मिला वो फिर कायम हो जाता है। एक बात नजर आई कि कभी वो ख़त्म नहीं होता। अगर खजूर का कटा हुआ मुर्दा तना भी ख़त्म नहीं होता तो हजूर सल्लम के खून के जो टुकड़े हैं, जो औलाद है, वो जिंदा तो होती ही जिंदा है, वो मर कर भी रहती जिंदा है। फिर वो सहाबा जो हजूर से जिनको लम्स मुबारक मिला, उनको दवाम हमेशा की जिंदगियां मिली। फिर वो औलिया अल्लाह जिन जो मजलिस मुस्तफ़ा के असीर थे, हर रात या जब भी उनकी हजूर का करम होता, हजूर की कचहरी में पहुंचने वाले, वो कभी मरते हैं? खजूर का खुश्क तना मर ना सका, हजूर का फिराक में रो रहा है, मोहब्बत मिशन का शिकार है। तो वो जिन्होंने जिंदगी ही उसकी मोहब्बतों के लिए वक्फ कर दी, अपनी यानी कि जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, अब एंड तक, तो वो कभी मरते नहीं। हाँ, जिनके दिल मर चुके हैं उनको हर बंदा जिंदा भी मरा हुआ ही नजर आता है। मुर्दा तो मुर्दा क्या, जिंदा भी मरा हुआ ही नजर आता है। ऐसे ऐसे आप लोगों के इस्लाम के लिबास के अंदर ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं, ऐसे लोगों से को पहचानो और अपना दामन बचाओ, साफ रखो। मैं कहता हूं फिर कि गुनाहगार तो बख्शा जाएगा, गद्दार की मगफरत नहीं है। गुनाहगार कौन है? गलती हो गई, ठीक है, माफी मांग ली। गद्दार वो है जो हजूर के मिशन से ही बैक गया, गुमराह हो गया, भटक गया, बज़ाहिरन लिबास वही पहना ताकि दीगर मेरे जो मुसलमान भाई हैं मुझे कहीं
गड़बड़ ना कर दें, पहचान के तो कहीं जो है मामला खराब ना हो जाए। इस वजह से लिबास वही रखा, लेकिन अंदर वो मुनाफ़क़त अब्दुल्ला बिन उबई वाली चली आ रही है। इन बातों को समझो, ये सादा लो जो मुसलमान हैं इसी तरह इन चक्रों में फंस जाते हैं, या तो आमिलीन के चक्कर में फंसते हैं, उनसे मार खाते हैं, वो भी दो नंबर, इसी तरह तसव्वुफ़ में जो ऐसे जाहिल सूफिया हैं उनसे मार खाते हैं, फिर इसी तरह जाहिल उलमा जो हैं, जो जाहिल मौलवी हैं उनसे मार खाते हैं। तो इन चीज़ों से को पहचानो और इनसे बच के रहो। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और हर तरह से हमारी हिफाजत फरमाए। हजूर की मोहब्बत का ये आलम कि खुश्क तना भी आपकी जुदाई में रोता है, और आज इस उम्मती का ये आलम के हजूर की मोहब्बत के लिए अगर कोई आंसू निकले तो इसको वो शिरक करार दे रहा है। अगर तना रोए तो ये मोहब्बत कमाल स्टेजों पे बयान होगी, और अगर हजूर की मोहब्बत में कोई मुसलमान रोए तो ये शिरक, एक एक तरफ से फतवाएगा ये शिरक है। और अगर हजूर के नवासा की मोहब्बत में रोए, कहें जी गम मनाना मना हो गया है, कमाल की बात है। हजरत हुसैन करीम अंदर रोए हैं, हजूर फौरन दौड़ के अंदर गए, क्या हुआ मेरे बेटे को? माई साहबा ने कहा वैसे जिद कर रहे हैं, छोटा बच्चा जैसे रोता है। कहा हुसैन को रोने ना दिया करो, मेरे दिल बहुत खराब होता है, मेरे दिल में बहुत गम आता है जब हुसैन रोता है। तो हजूर तो जिंदा भी अगर वो रोए तो गम आए, और कत्ल और शहीद होने पर क्या मगमूम नहीं थे? क्या हदीसों से साबित नहीं है? कौन से उलमा हैं जिन्होंने ये कह दिया? मेरी समझ से बाहर है। हम अगर देखें आला हजरत को तो उन्होंने एक ही बात कही थी, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बस इसी बात को अगर समझो तो जो सब घराना नूर का है उस घराने को समझो, तो जहां नूर की कमी है वहां उन उस घराने से जरा कनेक्शन जोड़ लो तो तुम्हारे घर में भी लाइट आ जाएगी। अगर तुम्हारे अंदर लोड शेडिंग है तो उस घराने से कनेक्शन ले लो तो तुम्हारे बल्ब जल पड़ेंगे, तुम्हारी लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, लाइट तुम्हारी जल पड़ेगी। ये करो, ये ना करो कि ये शिर्क हो गया और यहाँ पे गम मनाना मना हो गया। नहीं, असल में बात ये है कि अब तू रब की बारगाह से मना हो गया, तू खुद रब की बारगाह से मना हो गया, तुझे रोक दिया गया कि ये बारगाह रब करीम है, हजूर की बारगाह, उनके प्यारों की बारगाह, उसके जिक्र की बारगाह, ये रब की बारगाह होती है। तुझे खुद उन बारगाहों से रोक दिया गया, तू खुद मना हो गया, वरना वहां गम और उनकी मोहब्बत में रोना आंसू बहाना ये मना नहीं है, बल्कि ये आला एक दर्जा है मोहब्बत का, और ये हलावत ईमान की निशानी होती है, और दूसरे लफ्जों में मैं कहूँ हलाली की निशानी होती है। उसको अपने आका का, अपने सरदार का, अपने मालक का गम होता है। जो हलाली नौकर हो वो अपने मालक की केयर करता है, हिफाजत करता है। जो फराडिया किसी ने भर्ती कर लिया अपने महकमे में, अपनी कंपनी में, वो कोई भी मसला हो तो खुश होता है, ठीक है अब ऐसा हुआ है ना इसके साथ। जो हलाली नौकर होगा वो मालक के गम में शरीक होगा। तो हमें चाहिए कि हम हजूर सल्लम के हलाली खादम बने, गंदे खादम न बने। हम तो जो जनाब अली अल मुर्तजा और जनाब हसनैन करीमैन उनके जो पाँव की खाक हैं, हम उस खाक से बने, इसलिए हम खाकी लिखते हैं। हम तो वो जो उनके पाँव की खाक है ना, उसकी वजह से हम खाकी हैं। समझाई बात? बाकी अगर किसी को नहीं समझ आती तो कल हशर का मैदान करीब है, दूर नहीं है, वहाँ सबको लग पता जाएगा। अब वो जाने और उनके काम जाने। हम हमारा मिशन मोहब्बत है, हम मोहब्बत से बताते हैं। चले जी।